हरक अंकल, प्रीतो आंटी, आप दोनों से ये वादा है मेरा कि हीर से शादी के लिए आप लोगों को मना कर ही रहूंगा। और आप लोग मानोगे भी, पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। बढ़िया है, अब ये लोग हीर को उसकी सच्चाई तो बताएंगे नहीं। अपना काम करने के लिए हमारे पास अब वक्त भी है और मौका भी। मैं क्या चितनु प्रीत, हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। प्रीतो जी, अगर आप हीर को हमें सौंप दें, हम उसे खुशी खुशी ले जाएंगे। यकीन कीजिए, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। हीर यहीं रहेगी हमारे पास। यहां आप लोग जा सकते हैं, यहां से प्लीज जाइए। माही, हालात को समझने की कोशिश करो। हालात पहले वाले नहीं रहे हैं, अब बात कुछ और है। झरना, इस तरह मत जाओ। हम कुछ करते हैं। आप कुछ करेंगी? अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अपने घर में आपके बेटे के सामने आपकी चलती है नहीं। इतनी इंसल्ट के बाद मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी और इस इंसल्ट को कभी भूलूंगी भी नहीं। झरना, I'm sorry, sir. I'm really sorry, sir. But hurt तो तुमने भी मुझे किया है। हीर को तो मैं Shut up! Just shut up! लड़कियों को शादी के मंडप में छोड़ के जाना तुम्हारी हॉबी है शायद। ये मत सोचना कि मैं इस इंसल्ट को भूल जाऊंगी। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। और कह देना अपनी उस बेंजी एलएस हीर से, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। झरना, यहां क्यों आया तू? क्या करने आया तू? यहां क्या करने आया? वापस निकल इस घर से। आज के बाद हीर और उसकी फैमिली को कोई परेशान नहीं करेगा। निकल जाओ,
तुझसे कहो मैंने इस घर में क्या करने आया, निकल यहां से, बाहर जा। और अगर किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू बर्दाश्त नहीं करेगा? तुझसे कहा इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए हैं, निकल यहां से। डैड आपको अपने बेटे को जितना मारना है ना मार लीजिए, वो सब सह लेगा। लेकिन जिस दिन हीर पर एक छोटी सी भी आंच आई ना, तो उसका पति नहीं सहेगा। इसलिए आप सब दूर ही रहिएगा उससे। चुप नहीं रहेगा। बाप का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ते बाप को। हाँ, उस लड़की के लिए वहां से तू मार ले मर गया। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू निकल इस घर से। विराट, तू शादी कर रहा है उस लड़की से? इसका मतलब उस हीर ने हमारे साथ खेल खेला है और तुझे फंसा लिया। जानती थी कि वो बेकार और बदतमीज लड़की ऐसा ही करेगी। माँ प्लीज, हीर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। आपको पता है आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? आपने अपनी सोच सब पर थोपते उसने शादी के लिए मना कर दिया ना, लेकिन आपको पता है क्या, मैं उसको शादी के लिए मनाऊंगा, उसके घर वालों को मनाऊंगा। और अगर हाँ कहेगी तो करूंगा शादी, और अगर ना कहेगी तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा और कुंवारा ही मर जाऊंगा। वाह विराट वाह, उसकी फैमिली को मनाएगा और अपनी फैमिली क्या उन्हें ठुकरा देगा? अरे कितनी बार विराट, कितनी बार मैंने तुझे तेरे पापा से बचाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू कि आपने मुझे डैड के गुस्से से बचा लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन माँ, कभी आपने सोचा आप किन चीजों से मुझे नहीं बचा पाए? अकेलापन, प्यार छिन जाने का दर्द, सपने टूट जाने का दर्द, उसके बारे में कभी सोचा आपने? मुझे मेरी आत्मा से अलग कर दिया आपने। बट स्टिल थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रही है प्रीत, चारों पासे जब दुश्मन हो तो लड़ाई दी जो होंगी ना है, तरकीब सामने चेंज करनी पड़ेगी। आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। वैसे भी हम उसको कभी ना कभी तो सच्चाई बतानी है ना, आज बताने वाले थे, आज दास के काम भी खत्म कर देने ना मेरी गाली। नहीं नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते। वो टूट जाएगी, वो नहीं संभाल पाएगी, अपने को पता नहीं क्या कर बैठेगी। उस अपने पैरों पर खड़ी होती तो बात अलग होती ना, लेकिन अभी नौकरी मिलने में वक्त है, अभी नहीं बता सकते, ये सही वक्त ही है, अभी नहीं बता सकते। अरे कुछ नहीं होता प्रीत, अरे हरमन का खून है वो मेरे शेर। नहीं नहीं अभी बता सकते। मम्मी जी हम सब है ना, हम सब हीर को संभाल लेंगे। हाँ पापा जी, बिल्कुल प्रीतो जी, हम उसे टूटने नहीं देंगे।
अभी नहीं बता सकते, नहीं नहीं, नहीं, नहीं बता सकते। प्रीति, एक बार ये होने दे, उसको सच्चाई बता के तेरी बाकी की जिंदगी में। ड्राइव उतर, क्या बुला फिर बुला देते नहीं शायद सही वक्त नहीं है। रोज तो कुछ बोलता क्यों नहीं? प्रीत एक देख, कभी तो बोलना है ना सही, कभी तो बोलना है ना आज ही सही। तू हिम्मत रख, मैं तेनों की कह रहा, तू हिम्मत रख बस। तू आंसू नहीं दिखाएंगे, उन्हें आंसू दिखाएंगे सानू, उन्हें है जाहिर करना है कि ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई नॉर्मल गल लगी है। ठीक है ठीक है, हाँ बस बस, और वो सामने बस एक और हो जाए ना। आ रही आ रही आ रही, ओ देख आ रही है। चुप चुप चुप, चुप हो जा। क्या हुआ हरक सिंह, आपने बुलाया मुझे यहाँ? क्या हुआ, सब सब ठीक है ना? हीर, ये लोग तुझे कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। कैसी सच्चाई? जी तो बोलना, कोई बात है क्या? बताना क्या हुआ? अरे बोलिए ना भाई साहब, क्या हुआ? हाँ जी जी बोलिए। हिम्मत नहीं है किसी की इतनी बड़ी बात बताने की, पर देखो तो सही, डींगे ये लंबी लंबी मारते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? देखिए मुझे डर लग रहा है, कोई बात है क्या? गल हैगी है पुत्र, हीरिए मेरे बच्चे, बहुत साल से हम तुझे ना कुछ कहना चाह रहे थे। गल है कि वो कि आपकी बहू में किन्नर है। हरकनाथ माई का बच्चा किन्नर है? नहीं नहीं भेड़िए, ऐसी कोई बात नहीं है। गल यही है कि तू सीधी गल यही है कि तू क्या क्या हुआ कि तू एग्जाम में फेल हो गई। एग्जाम में फेल हो गई हीर, बहुत बुरा हुआ। क्या बोले जा रहे हो?
कौन फेल हुआ है? मैं कोई फेल वेल नहीं हुई, मेरा नाम बस मेरिट लिस्ट में नहीं वेटिंग लिस्ट में है, मैं पास हुई हूँ पूरी तरह। अच्छा, अरे ये तो खुशी की बात है, अब मेरी मिठाई वेस्ट नहीं होगी ना। मिठाई? वैसे भी आज नहीं तो कल हमारी हीर पास हो ही जाएगी, उसी खुशी में मिठाई खाइए, लीजिए। वैसे हीर, अब तुम्हारी फैमिली में किसी ने सोचा ही नहीं होगा ना कि तुम फेल, आई मीन वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। तभी तो अंकल और आंटी ने आज शाम के लिए पार्टी और कल सुबह के लिए चारों धाम की यात्रा प्लान की थी। अब वैसे अंकल, पार्टी तो होनी चाहिए नहीं, अब आखिर आपकी इकलौती पोती जो पास हो गई। फ्रैंक नहीं हो रही हो मेरे घर वालों से, और तुम्हें इस घर में आने की परमिशन किसने दी, वो भी लड्डू लेकर? बकवास बंद करो। और ये अपने लड्डू पकड़ो और ये अपने लड्डू लेकर निकलो यहाँ से, गेट आउट, चलो। अरे हीर, बात तो सुन लो। सुनी तो रही थी, आप निकलो यहाँ। अरे लेकिन प्लीज जाओ। अरे लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। चलो। अंदर आने के सारे तरीके पता है मुझे। दादू तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हीर पुत्र, दरअसल मैं कह रहा था। अरे मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी सकड़ू पोती ने मुझे धक्के मार मार के ही बाहर निकाल दिया। सीढ़ियों से क्या उतरते चले आ रहे हो? मैंने तो तुम्हें दरवाजे से बाहर निकाला था ना विराट, कहां से आ रहे हो? खिड़की से, और कहां से डम्बो, अपना पुराना एक्सपीरियंस है, इतनी जल्दी भूल गई डम्बो? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था, अभी परसों ही हरक अंकल और प्रीतो आंटी मुझे मिले, तो उन्होंने अपना सालों पुराना सपना मुझसे शेयर किया कि वो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते। अब लेकिन उनकी मांगी हुई मन्नत के हिसाब से वो तभी जाते जब तुमको नौकरी मिल जाती, अब नौकरी तो मिली नहीं, तो मैं यही समझा रहा था उनको कि अगर और 3-4 अटेम्प्ट में भी हीर अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई तो फिर ऐसे सपने को वेस्ट थोड़ी जाने देंगे, क्योंकि वो उम्र बढ़ रही है ना। बस विराट, जो हम कहना चाह रहे थे, दादू अभी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यही जो विराट ने कहा, अब सोचा तो कि तू पास हो जाएगी तो फिर हम क्या घूमे फिरे, नहीं सारी जिंदगी बस तुझे ही संभालते बैठे रहेंगे, यही यही कहना था। हाँ तो अब आप
आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले लीजिए। कौन सा डिस्कशन, कैसा डिस्कशन? तो मुझ पर भरोसा है ना? अरे मैं एक बार वेटिंग लिस्ट में आई हूँ, बार बार थोड़ी ना आऊंगी। कल आ जाऊंगी मेरिट लिस्ट में भी, फिर जॉब लग जाएगी, फिर आप दोनों को अच्छे से तीर्थ यात्रा करवा दूंगी। इसकी हेल्प क्यों ले रही हूँ? लेकिन हीर, वो घुटनों के दर्द का क्या? अब वो तो बढ़ेगा ना। दादू दादी मेरे हैं, घुटने भी उनके हैं, दर्द भी उनको रहा, तुम्हें क्या है? और ये अजीब इंसान है यार, बैठ क्या गए हो मेरे घर में? उठो निकलो, बस बहुत हुआ, चलो चलो। अरे हीर, मैं जानता हूँ तुम्हारा घर है, जहाँ तो रहूं, वायलेंट क्यों हो रही हो? निकलो। देखो जा रहा। जाओ। ये क्या करने जा रहे थे आप? हीर को उसका सच बताने जा रहे थे? अरे मर जाती वो। मैं तो उसको सिर्फ 8 महीने से जानता हूं, इसलिए मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप लोग तो उसको 20 सालों से जानते, तो आप कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते? और अंकल जी, आप सिचुएशन जरा सी हाथ के बाहर क्या चली गई? आपने अपनी तपस्या ही त्याग दी। प्रीतो, हर एक चीज को बाहर निकालो घर से और मुझे अंदर लो। एक बार बाहर आ जाओ। इस विराट के बच्चे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। विराट। प्रीतो आंटी, ये मैटर अलग है कि मैं हीर से शादी करना चाहता हूँ और आप नहीं मान रहे, लेकिन हीर की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे, ये हमारी डील हुई थी ना, तो फिर क्या हो गया? विराट, तुम हालात नहीं समझ। हरमन ने भी सौम्या की रक्षा का जिम्मा लिया था, हुआ क्या? अरे लेकिन मैं हरमन नहीं हूं। होंगे वो बहुत बड़े आशिक, लेकिन उसको सौम्या की सच्चाई शादी के बाद पता चली थी। और मैं हीर का सच जानते हुए भी उससे शादी करना चाहता हूं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसी दिन समझ में आएगा आपके। बस कर, बस कर। हमारे घर का अंदरूनी मामला है, ऐसी 4 दीवारी के अंदर असी सुलझा लांगे, ठीक है जी? उदे बाद तैनू इतला कर दांगे। फिलहाल इथों जा, बस। आज का तो मेरा दिन ही खराब है। घर से बाप ने निकाल दिया, ससुराल से ससुर निकाल रहा है, और होने वाली बीवी ने लड्डुओं समेत पहले ही निकाल दिया। कोई बात नहीं, याद आया लड्डुओं से, मैंने तो लड्डू खाए ही नहीं। खैर, बाहर जाके खा लूंगा, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी मैं खुश हूं। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरी झरना से शादी टूट गई, और आज से मैं सिर्फ हीर का हूं, सिर्फ हीर का। और प्लीज अभी हीर को उसकी सच्चाई मत बताइए, रिक्वेस्ट है आपसे, अभी नहीं। और हाँ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरी होने वाली बीवी को एक छोटी सी खरोच भी मार सके। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.